हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू द फुटबॉल क्लासरूम। तो गाइस, मेरे साथ है आज अंडर 13 गोलकीपर हरजीत, और हम आपको आज गोलकीपिंग हाई डाइविंग ड्रिल्स के ऊपर कुछ वीडियो में पॉइंट्स बताने वाले हैं, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी अगर आप हाई डाइविंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपने हाई डाइविंग को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और लाइक शेयर और कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए गाइस, लेट्स। इस ड्रिल को करने के लिए आपको 6 कॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और आपको कॉन्स को कुछ इस तरीके से टी शेप में लगाना है। एक कॉन वहाँ पे है, एक कॉन यहाँ पे है, और 4 कॉन लाइन से ऐसे मैंने लगाए हुए हैं। तो गाइस, जो 4 कॉन्स है उसके ऊपर आप हाई नीज करते हुए आगे की तरफ आएंगे, और इस तरीके से आप करेंगे। साइड एंगल से मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। देन आप एक जगह पे जंप करके वेट करेंगे, और थ्रोअर को बोलेंगे बॉल थ्रो करने के लिए, और आप राइट और लेफ्ट कोई भी तरफ कर सकते हैं अपनी चॉइस से। यहाँ पे मैं राइट की तरफ कर रहा हूँ। एंड देन आप अपना हाई डाइव का जो प्रैक्टिस शेड्यूल है उसको फॉलो करेंगे, और कोन के आसपास आप बॉल को थ्रो करवाएंगे, और टारगेट रखेंगे कि आप बॉल को कैच कर पाएँ। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इस टेक्निक को इम्प्रूव करने में आपके काम आएंगे। वो है कि आपको जब भी जंप करना है, आपको अपने जिस डायरेक्शन की तरफ आपको जंप करना है उसके ऊपर फोर्स करके, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर से आपको जंप करना है, और इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे। इसकी आप कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। आपका जो लैंडिंग पार्ट है वो आप देख लीजिए, आपका जो जिस डायरेक्शन में आप डाइव कर रहे हैं वो वाला पैर नीचे की तरफ स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपका जंप आता है। जंप के लिए आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, और आप इस ड्रिल को इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए ट्रेन करेंगे ताकि आपका जंप हाई हो सके, जिसको हम हाई डाइव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्रिल के लिए आप 5 कॉन्स कुछ इस तरीके से रखेंगे, और उससे 1, 2, 3, 4 और 2 राइट की तरफ इस तरीके से आप कॉन्स को प्लेस कर देंगे। तो गाइस, इसमें आप स्ट्रेट रन करते हुए 5 जो आपके कॉन्स रखे हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि ये एक बैरियर है, आपको इसके ऊपर से जंप करना है, इसके ऊपर आपको स्टेप नहीं करना है, इसके ऊपर से जंप करना है। ये आपका डबल जंप को प्रिवेंट करने के आपके काम आएगा। डबल जंप में आपको नुकसान हो सकता है कि जब आप जंप करने जाते हो तो आपका स्टेपिंग खराब हो सकता है। तो गाइस, ऑन द स्पॉट आप एक छोटा सा जंप ले सकते हैं, जिससे आपका बड़ा वाला जंप सपोर्ट हो जाए, बट आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे राइट की तरफ, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लैंडिंग की। लैंड करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, आपका जो जिस तरफ आप लैंड करने वाले हो वो वाला फुट आपका फोल्ड रहेगा और स्ट्रेट रहेगा कुछ इस तरीके से, और जो दूसरे वाला जो आपका पैर है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ताकि आगे 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 से स्ट्राइकर आ रहा हो तो उससे आप बच सके। तो गाइस, आई होप आपको हाई डाइविंग की टेक्निक प्लस कुछ ड्रिल्स पसंद आई होगी, और इसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी हाई डाइव को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, साथ में से सजेशंस देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में, और शेयर करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस, पीस आउट।